मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम किया है जिस प्रोजेक्ट का नाम है माई क्लीन एरिया प्रोजेक्ट। हम सब डाट मोहल्ले में रहते हैं और मेरे फ्रेंड्स अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ देशों पब्लिक स्कूल और कुछ डीएवी स्कूल और कुछ सेंट मैरी। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा था अपने टीम मेंबर से, बस वाणी ठाकुर, सेकेंड तनिष्का गोयल, थर्ड पार्थ गोयल, फोर्थ प्रिया चौहान, फिफ्थ अर्थर गोयल, सिक्स्थ कृष्णा कनौजिया एंड सेवन्थ आलिया खान। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे डाट मोहल्ले एरिया में बहुत गंदगी रहती है और इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने बड़े लोगों से बात की है तो बड़े लोग बोलते हैं इनका कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक गवर्नमेंट यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखवा देती ये तो कुछ नहीं होने वाला। फिर जब कोई लोग एक्शन लेते थे और उनका कोई रिजल्ट नहीं आता था और जो लोग एक्शन लेने के लिए सोचते भी थे वो भी पीछे हट जाते थे, बोलते थे कि ये तो सक्सेसफुल नहीं हुए, हम कहाँ से हो जाएंगे सक्सेसफुल। रीजंस, इसके इस प्रॉब्लम के रीजंस क्या थे? पहला कि हमारे यहाँ डस्टबिन्स नहीं थे, दूसरा कि यहाँ पे बहुत तीसरा कि यहाँ पे सारे लोग तो टाइम नहीं पता था, लुई टूड़ा लाते थे ऐसे, और इससे इम्पैक्ट्स थे। पहला कि यहाँ पे बीमारियाँ फैल गई, सारे लोग बीमार होने लगे, और सेकंड यहाँ पे बहुत गंदा मच्छर आने लगे उस पर, एंड थर्ड यहाँ पे जो एनिमल्स उसमें खाते थे वो मरने लगे। हमने उस प्रॉब्लम को देखकर सॉल्व करने की ठानी और हमारे पेरेंट्स और गाहश की टीम ने भी हमारा पूरा साथ दिया और 15 अगस्त को हमने नुक्कड़ नाटक कर आपको वीडियोस दिखाना चाहते हैं जो हमने किया है। कोना कोना जगमग जगमग कोना ही है, अब धान के मुंडी करने की आई है, स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है। हमारी इस बात को अखबार ने 2 बार कवर किया है। कुछ दिन बाद हमने ये देखा कि लोग छुप छुप के कूड़ा डालते हैं और इधर उधर कूड़ा डालते हैं। हम इस चीज को पकड़ के कि लोग कूड़ा ना डाले, हमने और हमारी टीम ने और हमारे फैंस ने खुद अपने हाथों से कूड़ा उठाया और डस्टबिन में डाला। गर्व की ये बात है कि जब हमने वहाँ जाके देखा कि पास के पड़ोस पास की कॉलोनी में पास की कॉलोनी के लोगों ने जहाँ पे कूड़ा डालते थे वहाँ पे एक गमला रख दिया, और बल्कि हमसे भी बड़ा गमला रख दिया। कूड़ा डालने वाली जगह पे अब कूड़ा नहीं डलता। इसका ये फायदा है कि हम अच्छा करेंगे तो लोग उसे अपनाने लग जाएंगे। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में इतना बिजी रहते हैं अपने होमवर्क में कि वो आसपास की प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाते, पर यकीन मानिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने इतना कुछ सीखा जो हम शायद अपने नॉर्मल लाइफ में सीख पाते। और ये 2 चीज़ें जो हमने इससे सीखी है, फर्स्ट हमेशा बड़ी प्रॉब्लम का हल छोटा ही होता है, और सेकंड पॉइंट अच्छा काम हम अच्छा काम करेंगे तो दूसरे लोग हमें देख के खुद अच्छा काम फॉलो करेंगे।